नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। भारत के ऋषियों का सम्मान करने के लिए ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। ऋषि पंचमी का पर्व मुख्य रूप से सप्तऋषि के रूप में सम्मानित सात महान ऋषियों को समर्पित है। ऋषि पंचमी को गुरु पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में ऋषि पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऋषि पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ऋषियों की पूजा अर्चना और स्मरण करता है उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 1 सितंबर को प्रातःकाल 4:29 से सुबह 5:14 तक रहेगा। रवि योग 1 सितंबर को प्रातःकाल 5:58 से शुरू होकर 12:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 1 सितंबर को 11:55 से सुबह 12:46 तक दोपहर में रहेगा। विजय मुहूर्त 1 सितंबर को दोपहर 2:28 से 3:19 तक रहेगा। ऋषि पंचमी तिथि का प्रारंभ 31 अगस्त को 3:22 दोपहर से शुरू होगा, जबकि इस वक्त तिथि का समापन 1 सितंबर को दोपहर 2:49 पर खत्म होगा। ऋषि पंचमी का पूजा का शुभ मुहूर्त 1 सितंबर को सुबह 11:05 से लेकर 1:37 तक का है। ऋषि पंचमी पूजा की अवधि 2:33 की है। धार्मिक मान्यता है कि महिला ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख समृद्धि एवं समृद्धि की कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत रखती है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से अगर किसी महिला से रजस्वला के दौरान अगर कोई भूल हो जाती है तो इस व्रत को करने से उस भूल के दोष को समाप्त किया जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।